नागौर शहर के मुख्य चौराहे परशुराम सर्किल पर शुक्रवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है। पुराने अस्पताल के सामने की घटना बताई जाती है, जहां सूचना मिलते ही ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। समाज के लोगों ने इस घटना पर विरोध जताया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ युवक सेल्फी लेने के चक्कर में परशुराम सर्किल पर लगे परशुराम की प्रतिमा पर चढ़ गए थे। ऐसे में प्रतीक तीन भागों में टूट कर नीचे गिर गया। इसके बाद युवक मौके से भाग छूटे। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परशुराम सर्किल पर ब्राह्मण समाज के लोग जमा हो गए और विरोध करने लगे। सूचना मिलते ही वहां सीओ विनोद कुमार व सीआई ब्रजेंद्र सिंह सहित जाप्ता भी पहुंच गया। आसपास लगे सीसीटीवी व प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के बाद दो युवकों की पहचान की गई है। शुक्रवार देर रात ही दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। दोनों युवक शराब के नशे में थे और दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटे थे। जैसे ही वे परशुराम सर्किल पहुंचे, वहां सेल्फी लेने के लिए परशुराम प्रतिमा पर फरसे व फाउंटेन पर चढ़ गए। ऐसे में फरसा अचानक गिर पड़ा, जिससे उसके तीन भाग हो गए। हालांकि मामले में शनिवार सुबह तक किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि फरसे के साथ तोड़फोड़ की गई या फिर सेल्फी लेने के दौरान यह टूट गया। देर रात्रि को लगभग 1 बजे के आसपास सर्कल है पुराने हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पे जो फाउंटेन है उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा गिराने की सूचना मिली थी, जिसपे पुलिस पहुंची। हमारे अधिकारी SHO वगैरह उन्होंने चिन्हित करके CCTV के आधार पे जो भी जिसने फाउंटेन गिराया उनको पूछताछ के लिए लाया है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है।